तो द टॉपिक वाज नेम स्पेस। ओके, तो नेम स्पेस को एक्चुअली में तीन तरीके के नेम स्पेस होते हैं, जिस तरीके से स्कोप हमने पढ़ा था उसके सहारे में चलते हुए आप लोगों को मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक होता है बिल्ट इन नेम स्पेस, ठीक है ना। बिल्ट इन नेम स्पेस कौन सा होता है बच्चा? जो कि आपके पाइथन के इन्वायरमेंट में ऑलरेडी है, जस्ट लाइक प्रिंट आईडी, एसटीआर, जो भी ये फंक्शंस थे जो कि पाइथन के ऑलरेडी इन्वायरमेंट में है, वो हो गए आपके बिल्ट इन नेम स्पेस में। इसके बाद जब हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की, ठीक है ना, इसे इस तरीके से समझो। यूजर डिफाइंड फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हमने दो तरीके के स्कोप्स पढ़े थे, एक लोकल और एक ग्लोबल। क्लियर है? एक पढ़ा था हमने लोकल नेम स्कोप और एक ग्लोबल। तो जो नेम स्पेस है वो हमारे तीन तरीके के नेम स्पेस हो गए, बिल्ट इन नेम स्पेस, लोकल नेम स्पेस और ग्लोबल नेम स्पेस। अब इसे काफी इजीली से आप लोग समझ सकते हैं, इसमें ज्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है। सपोज हमारे पास एक प्रोग्राम है कुछ इस तरीके का, डिफाइन मैंने बनाया एक फंक्शन बाहर आउटर, ठीक है, और उसके अंदर हमने जो क्या किया, हमने सपोज ए इक्वल्स टू 30, ठीक है, प्रिंट ए, ये हमने कर दिया। इसी के अंदर हमने एक और फंक्शन बनाया डिफाइन इनर, इसे इस तरीके से आप समझिए, ठीक है। डिफाइन इनर जब हमने बनाया तो क्या हुआ कि इसके अंदर हमने जब ये यहाँ पर ये छूट गया, हमने क्या बनाया, b इक्वल्स टू 40 लिया और इसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया भी, कुछ इस तरीके के। तो यहां पर आप देख रहे हैं दो सेक्शन बन गए, जो इनर है वो आउटर के अंदर में है और जो आउटर है, ठीक है, वो कहां पर है, ग्लोबल के अंदर में, ठीक है। और लास्ट में मैंने यहां क्या किया, ग्लोबल से कॉल किया आउटर को। यहां पर हम क्या कर रहे थे कि हम इनर को कॉल नहीं कर पा रहे थे, तो हमने अंदर से ही कॉल किया इनर को, इस चीज को समझे। तो जब हमने इस तरह का कोई सेटअप बनाया, इसमें थोड़ा सा चेंज और मैं ये कर देता हूं, हमने इनर के अंदर एक बना लिया ए बी, यहां पर इनर को कॉल कर लिया, ठीक है। अब जो ग्लोबल वाला है उसमें मैंने बना दिया सी इक्वल्स टू 50 और यहां से आउटर को कॉल कर दिया और यहीं पे आगे मैंने प्रिंट सी कर दिया। तो अब जो नेम स्पेस है वो किस तरीके से आपके वर्क कर रहे हैं, ये हो गया आपका ग्लोबल स्पेस में, ये आपका हो गया ए या आउटर, ए हो गया या इनर हो गया, ये हो गया लोकल नेम स्पेस में, किसके, आउटर के लोकल नेम स्पेस में। समझ में आया स्कोप का कंसेप्ट? इसी तरीके से बी जो है ये क्या हुआ, आउटर का जो लोकल नेम स्पेस है उसमें आपको एक पार्ट मिला इनर, ये अब इनर के भी लोकल नेम स्पेस में है, यानी कि हायरार्की बन गई, ठीक है। इस तरीके से ये यहां पर काम किया। अब इसको हम प्रोग्राम में चालू करके देखते हैं और फिर आते हैं अपने उस चीज पर जब हम इम्पोर्ट या फ्रॉम इम्पोर्ट की बात कर रहे थे, और उसको भी जो हमने पहले समझाया उसी के एक एग्जाम्पल में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का ये समझ आया सेटअप। अब हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं अपनी वही फाइल test.py और इसमें जो कुछ है वो उड़ा देते हैं। अब हम क्या बना रहे हैं, एक फंक्शन हमने नया नाम लिया आउटर, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैंने a = 30 रखा था और इस फंक्शन के अंदर मैंने बोला था कि प्रिंट ए इज सपोज कितना हो गया ए, ठीक है,
इसी के अंदर एक और फंक्शन मैंने रखा जिसका नाम मैंने दिया था इनर, ठीक है। और इनर के अंदर b इक्वल्स टू 40 मैंने रखा और प्रिंट किया b इज b, क्लियर। अब मैंने आउटर के अंदर ही इनर को कॉल कर लिया। जैसे ही इनर कॉल होगा तो यानी कि पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, a इक्वल्स टू 30, प्रिंट a इज a, एंड देन हम कहाँ जाएंगे, इनर पर, क्योंकि हम यहाँ पर कॉल करने वाले हैं किसको, इनर को। हमने कॉल किया तब ये इनर में एंट्री किया, अब b एक्सेसिबल हो जाएगा, फिर b को प्रिंट कर देना है, ठीक है। ये आपका सेटअप, डबल सेटअप हमने बना लिया। अब ग्लोबल सेटअप में मैंने रखा c इक्वल्स टू 50, प्रिंट c इज c, ठीक है। और उसके बाद मैंने आउटर को कॉल किया, ये हमने अपना सेटअप बना लिया। अब यहाँ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर गया, इसके बाद c इक्वल्स टू 50 पर आया, सबसे पहले प्रिंट होगा, वैल्यू असाइन होगी आपकी c इक्वल्स टू 50 में। तो इसको यहाँ पर इस तरीके से समझिए कि जो ग्लोबल नेम स्पेस है ये आपके पाइथन का इंटरप्रेटर आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी मेमोरी है। सबसे पहले इसमें क्या गया, ग्लोबल का c, ठीक है। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई, इसके बाद कॉल करके कहाँ गया, आउटर में। आउटर में इसे क्या मिला, लोकल टू आउटर a, और फिर इस आउटर के अंदर एक नेम स्पेस अलग मिला लोकल टू इनर, जिसका नाम था b। तो ये मेमोरी में इस तरीके से लोड हो रहा है। तो अब आप इस तरीके से समझिए कि नेम स्पेस वो मेमोरी स्पेस है पाइथन के इंटरप्रेटर का, जहां पर उसे वैल्यू चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, जहां पर वो आइडेंटिफिकेशन कर सके। ये चीज समझ आई, ये आपके पाइथन का इंटरप्रेटर का मेमोरी स्पेस है जहां से वो वैल्यूज को उठा रहा है। अब ये वैल्यूज यहां पर मिल रही हैं। अब यहां पर इसका किसी भी चीज को, किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन को, ठीक है, वो किस तरीके से यहां पर देख रहा है, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर रहा है, वही उसका नेम स्पेस है पाइथन इंटरप्रेटर के लिए। ये समझ आया, हाँ या ना, कुछ तो बोलो सर। वो इनर आउटर ही समझ नहीं आया सर, आगे का। अच्छा देखो, इनर आउटर समझ नहीं आया, यहाँ पर बोला करो ना। तो फिर देखो, यहाँ पे मैंने ये दोनों ग्लोबल में रखे, ठीक है, आपके मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम है टेक्स्ट डॉट पाई। इसमें ग्लोबल में मैंने क्या रखा, सी, समझ आया ये। उसके अंदर एक लोकल एनवायरमेंट बनाया आउटर, जिसके अंदर मैंने रखा ये ए, क्लियर है, और इनर को डिफाइन करके उसको कॉल कर दिया। तो इनर के लिए जो अब ग्लोबल है वो आउटर है, और आउटर के लिए जो ग्लोबल है वो ग्लोबल है, ठीक है। आउटर इनर अब समझ आया, यस सर। एक तरीके से ये समझ लो, ये है दादाजी, ये है हमारे ग्लोबल, दादाजी के पोस्ट बेटे, पापा जी, ये आपके बन गए आउटर, ठीक है, लोकल एनवायरमेंट एक, और पापा जी के बेटे, बेटे जी, वो किस में है, इनर में। तो यही इनर हायरार्की हम नेम स्पेस में इंटरप्रेटर का फॉलो कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब भी एक्सेस कर रहे हैं, आपने टेस्ट को इंपोर्ट किया, ठीक है, टेस्ट को इंपोर्ट किया, तो सबसे पहले क्या हो गया, ये देखो इस तरीके से समझो, जब आपने, ये पाइथन का इंटरप्रेटर का मेमोरी स्पेस है, सबसे पहले आपने क्या किया, इंपोर्ट टेस्ट किया। जैसे ही इंपोर्ट टेस्ट किया, सबसे पहले आपको कौन मिल गया, ग्लोबल सी, यानी कि सी नाम आइडेंटिफाई हो गया, सी का कोई नेम स्पेस की जरूरत नहीं है, क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन हो गया, यस सर। टेस्ट, टेस्ट डॉट पाई है मॉड्यूल नेम है। इसके बाद जब आपने ग्लोबल सी के बाद आउटर को कॉल किया, तो आउटर कॉल करते ही आपके वेरिएबल कौन सा आ गया, ए,
और एक और फंक्शन की डेफिनेशन आपको मिल गई, इसमें आ जाते हैं, वो क्या मिल गई, इनर। ठीक है, इस तरीके से हम जा रहे हैं, इनर, इनर में आपको मिल गया बी। तो ये सेटअप यहां पर हमने इस तरीके का बनाया है। अब हम पाइथन में उसे किस तरीके से एक्सेस करेंगे, यही हमारा नेम स्पेस है। पाइथन इंटरप्रेटर उनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा इन वेरिएबल्स को स्कोप के बेसिस पर, वही हमारा नेम स्पेस है। आप समझ आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। ठीक है ना, तो जैसे यही हमने बता दिया, दादाजी, पापा जी, बेटे जी का। अब डायरेक्ट कोई बेटे जी को एक्सेस नहीं कर सकता, ये समझिए। उनको कहाँ जाना है, पापा जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और पापा जी को एग्जीक्यूशन के लिए दादाजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने का मतलब कॉलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पर किया है। ये चलिए इसको रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आएगा सी, फिर आएगा ए और फिर आएगा बी। सी ए बी एग्जीक्यूशन हो गया, ठीक है, रन कर गया, हमने इसको कर दिया बंद। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, अब टेस्ट को इंपोर्ट कर रहा हूं। अब जैसे ही मैंने इंपोर्ट टेस्ट किया, ठीक है, इसकी कॉलिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि सी आ गया बाय डिफॉल्ट। और मैंने क्या किया था, इसी के अंदर कॉलिंग कर रखी थी, खोला नहीं मैंने, इसी के अंदर यहां पे ये कॉलिंग कर रखी थी। अब अगर मैं कॉलिंग नहीं करता हूं तो ये चीज नहीं आएगी, केवल इतना आके सी वैलिडेट हो जाएगा। देखें इस तरीके से इसको ये कर लेते हैं और फिर से इंपोर्ट टेस्ट। ठीक है, सी वैलिडेट हो गया, लेकिन कुछ भी आया नहीं क्योंकि आगे फंक्शन कॉल नहीं हुए। ठीक है, लेकिन अगर आपको अब वेरीफाई करना है कोई भी वैल्यू, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, आइडल वापस से जाते हैं, इंपोर्ट टेस्ट आपने किया, एग्जीक्यूट हो गया, सी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया। लेकिन जैसे ही एक एक करके ये तीनों वैल्यू आ गई, लेकिन जैसे ही हमने कहा फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट, आपने क्या बोला, आउटर। तो अब केवल आउटर आपका हुआ, और जैसे ही आपने टेस्ट डॉट आउटर आपने किया, तो केवल आउटर से जो जो एक्सेसिबल है वो चीज आपके सामने आई। समझ रहे हैं, ए नहीं आया, वो सी नहीं आया। लेकिन अगर आपने बोला फ्रॉम टेक्स्ट इंपोर्ट, आउटर के अंदर भी इनर आपको चाहिए। ये ऐसे क्यों नहीं ले रहा है, फ्रॉम टेस्ट डॉट आउटर इंपोर्ट इनर, ये फिर नहीं ले रहा है। अच्छा, ये चीज समझ में आई, फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट आउटर ब्रैकेट में डालना होगा क्या चीज सर, फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट इंपोर्ट आउटपुट आउटर करके सर ब्रैकेट में इनर डालने से होगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा। देखो, फ्रॉम टेस्ट इंपोर्ट आउटर आपने ले लिया, ठीक है, और अब आउटर आपने इसको ले लिया, लेकिन अब आप हमको केवल आउटर के अंदर वाला एक्सेस करना है। तो किस तरीके से हम कर रहे थे इसको, इनर नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं दिखा रहा है, वही फिर प्रॉब्लम आ गई जहां पे हम फंसे थे। लेकिन आपको इस तरीके से नेमिंग समझ आई, कॉलिंग समझ में आई, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे समझे कि जब भी पाइथन में जो लोड हो रहा है, इंटरप्रेटर में जो लोड हो रहा है, उसकी एक्सेसिंग किस तरीके से करनी है, वो नेम स्पेस है। ठीक है, सी आउटर और फिर इनर, तो वो हायरार्की जो मेंटेन हो रही है, जिस तरीके से वो आइडेंटिफाई हो रहा है उस एनवायरमेंट में, ठीक है, वो इसमें वर्क करेगा। एक एग्जाम्पल था, वो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला पेज, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है,
इसी के हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल स्कोप आपको पता चल गया, ये दिख रहा है आउटर फंक्शन बी इक्वल्स टू 20, सी और ए इक्वल्स टू 10, यही काम हमने किया है। हियर द वेरिएबल ए इज इन ग्लोबल नेम स्पेस, जो कि हमको पता है, ठीक है, ये समझिए। वेरिएबल बी इज इन द लोकल नेम स्पेस ऑफ आउटर फंक्शन एंड सी इज इन द नेस्टेड लोकल नेम स्पेस ऑफ इनर फंक्शन, जो क्या है, ए के अंदर बी है जब कॉल कर रहा है और बी के अंदर सी है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ गए? ठीक है, यहां पर आप देखिए, अब जब भी हम इनर फंक्शन में है, सी लोकल है, बी नॉन लोकल है और ए ग्लोबल है, ये हमको पता चल गया। तो अब हम इसको किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, बी को असाइन करना है, किस तरीके से करना है, देखिए यहां पर हमने क्या किया, आउटर ए, ए की वैल्यू 20 ली, इनर फंक्शन को कॉल किया, ए इक्वल्स टू 30 आया, ए की वैल्यू को ए कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, ए की नाम के वैल्यू ले ली दोनों। अब इस ए में जो एक्सेसिबल है वो कौन सा एक्सेसिबल है, इनर फंक्शन वाला, यहाँ पर 30 आएगा और इनर फंक्शन को आपने कॉल कर लिया, लेकिन यहाँ पर अब ये वाला जो ए है वो ये वाला ए आएगा, नॉन लोकल, इनर के लिए नॉन लोकल, आउटर के लिए लोकल, ठीक है। तो ये एक तरीके का एनवायरमेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से इसको समझना। और ए यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, देखो 30 20 10, तीन वेरिएबल ए लिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ग्लोबल ए को रेफर कर दिया, तो 20, तो ये वैल्यू इसकी जो थी ये 10 वाली, ये वैल्यू 20 चेंज हो गई, यहाँ पर 20 आना चाहिए। फिर ग्लोबल को ही इन्होंने रेफर कर दिया, ए इक्वल्स टू 30, तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू आ गई, 30। कौन सी वैल्यू चेंज हो गए, ए की वैल्यू चेंज हो गए। तो देखो तीनों की वैल्यू, क्योंकि ग्लोबल रेफर किया था हमने, ग्लोबल नेम स्पेस वाले को रेफर किया था, तो ए की वैल्यू 30 30 30 आई है, ठीक है। ये इस तरीके से सिंपल एक्सेसिबिलिटी इसमें है, ठीक है, कि नेम स्पेस मतलब अब वो किस वाले को उठाएगा, पाइथन का आपका इंटरप्रेटर वो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें जो ये वाली जो एरर आ रही है कि कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, ये एक्चुअली एट्रीब्यूट को ले रहा है, फंक्शन को नहीं ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो वाली एक्सेसिंग एरर आ रही है, तो उसको हम थोड़ा सा फिर से एक बार मैं देखूंगा और फिर आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप नेम स्पेस को इस तरीके से समझ सकते हैं, सिंपल एज इट है। अभी कुछ कुछ क्लियर हुआ है, क्या कहना चाह रहा था मैं? हेलो, यस सर। चलो, यस सर। ओके ओके, बाकी इसको फिर से लेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे ना हमको इसके जो नेम स्पेस के, उसमें बहुत इजीली से क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सेसिबिलिटी कैसे हो रही है, ठीक है। लेकिन अब जैसे ये आपको यहाँ पर समझ में आया कि टेस्ट डॉट आउटर जब हमने किया, इम्पोर्ट सिर्फ आउटर को करके, ठीक है, या आउटर हमने किया तो केवल अंदर अंदर वाले यहाँ पर देखिए एक्सेस हुए, सी एक्सेस नहीं हुआ, जो कि हमारा ग्लोबल नेम स्पेस में था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम वर्क कर रहे हैं, और ये डॉट वर्क नहीं कर रही है, ये प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, कि हम स्पेस को किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। एक इसका काम ये कर सकते हैं कि इसको पैकेज बना के फिर से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इतना अभी समझ आया, फिर अब हम सोमवार की क्लास में सीखेंगे और पैकेजिंग, कि हम किस तरीके से पैकेज बना सकते हैं, ठीक है। और फिर पैकेज बनाने से मेरे ख्याल से फिर ये वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, लेट्स सी, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए अभी यहाँ रखते हैं, और फिर पैकेज बनाएंगे तब हम और हायरार्की को एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे। कोई डाउट हो थोड़ा बहुत तो पूछ लो सर। ये चीज क्या चीज में काम लग,
रुकिएगा, देखो एक्चुअली मैं ये चीज का काम क्या हो रहा है, इस तरीके से समझिए, ये स्ट्रक्चर हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, आउटर इनर या इनर साइड इनर, इसके लिए क्या है कि क्या होता है जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर पैकेज बनाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से समझिए, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में या एक कहते हैं ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे टीम में सपोज 20 मेंबर्स हैं, हमने पर्टिकुलर एक को कोई काम दे दिया, दूसरे को कोई और टास्क दे दिया, तीसरे को कोई और टास्क दे दिया, और फिर बाद में सबके कोलेबरेशन से, ठीक है ना, हम एक पैकेज तैयार करते हैं। मींस अभी मेरे को रिजल्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल आप लोगों के रिजल्ट कंप्यूटेशन के मॉड्यूल्स तैयार करने हैं, ठीक है, तो किसी को मान लीजिए 11th का दे दिया, किसी को 12th का दे दिया, अलग 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 फॉर्मेट है दोनों का, किसी को 10th का दे दिया, किसी को 9th का, और उसके बाद उनको मैंने इकट्ठा किया एक पर्टिकुलर किसी फोल्डर में, उस फोल्डर को पाइथन लाइब्रेरी या पाइथन पैकेज का रूप दिया, उसे उस तरीके से आइडेंटिफाई कराया, और अपनी एक फाइल बना दी जिसमें उन फाइल्स को, जो डिफरेंट डिफरेंट 4 फाइल्स आई थी 9th 10th 11th 12th के रिजल्ट्स के मॉड्यूल्स की, उनको लिंक कर दिया। तो अब जब भी आप सॉफ्टवेयर पे ओपन कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको स्टार्टिंग में वो वाला पेज दिखाई दे रहा है जहां पर वो लिंक्स है, उस पेज में कुछ कंप्यूटेशन नहीं है, ठीक है, उस पेज में मतलब सिंपली कुछ नहीं, दैट इज सिंपली नेविगेटिंग टू द अनदर मॉड्यूल। तो इस तरीके से ही वर्क करता है। आप लोगों ने मतलब गेम्स देखे होंगे, वेबसाइट्स देखी होंगी या कुछ भी, तो क्या करते हैं कि एक होम पेज हमको रहता है, और उस होम पेज पर जो हम अपने एट्रीब्यूट्स हैं या जो भी हमने टास्क कंप्लीट किए हैं उनके बारे में रहते हैं, और कहते हैं कि आप चॉइस बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो यूजर जिस पर भी जाना चाहता है वो क्या करता है, उसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को लोकेट कर देता है बैक एंड में। तो यूजर को तो ऐसा लगता है कि इसी सॉफ्टवेयर में सारा काम हो रहा है, जो मेरे सामने पेज खुला हुआ है या विंडो खुली हुई है उसी में सारा काम हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में पीछे क्या हो रहा है वो तो एक ने नहीं बनाया। मान लीजिए आपके टास्क में 100 लोगों ने काम किया, 100 अलग अलग फाइल्स हैं, तो वो लिंकिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है, इसीलिए वो नेम स्पेस काम में आता है। मान लीजिए कि पीयूष ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और साहिल ने कोई मॉड्यूल बनाया, तो मेरे को पीयूष ने pius.py के नाम से शेयर कर दिया और साहिल ने sahil.py के नाम से शेयर कर दिया, तो अब मैं उसकी लिंकिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो प्रोग्राम बना रहा हूँ उसमें जो एक्सेसिंग कर रहा हूँ, इम्पोर्ट पीयूष भी कर लिया मैंने या इम्पोर्ट साहिल भी कर लिया, तो साहिल को साहिल के अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, सपोज साहिल डॉट एड, तो उसको कॉल कर लिया या यूज कर लिया जहाँ चाहिए, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस हैं। इसी तरीके से पीयूष के किसी से कॉल कर लिया, तो उस सारे स्ट्रक्चरिंग में वो चीजें आती हैं, ठीक है। ये फिर हम जब अगली क्लास में पैकेजिंग सीखेंगे तब हम फिर से डिस्कस इसको करते हैं। ओके बच्चा, ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, फिर लीव आउट करेंगे इसका, देखते हैं कि ये फंक्शन के अंदर फंक्शंस की वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस क्यों नहीं कर रहा है। इसको मान लीजिए रन कराता हूं मैं, तो वैल्यूज आ गई, इम्पोर्ट टेस्ट मैंने किया और टेस्ट डॉट सी की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर ऐसी डेटा टाइप आ रहा है उसको एट्रीब्यूट नहीं आ रहा, और यही रीजन हमको सॉर्ट आउट करना है, तो देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। और जबकि मैं टेस्ट डॉट आउटर करूंगा ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आउटर भी नहीं है, आउटर तो था भाई इसके अंदर, चलिए देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको काउंटर करते हैं कल सेकंड सैटरडे और संडे में, फिर मंडे को आपको बताते हैं, ठीक है बच्चा। लीव आउट सर, कल करेंगे, क्लासेस नहीं होंगी सर? कल तो छुट्टी है,